ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप घर आंगन में। स्वागत है आप सभी का। कहीं भी जाए
आशिकाना तो है लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूज करने वाला भी है। आपने ध्यान दिया इस तरफ कि ना तो गर्मी पूरी तरह से आ रही है और ना ही सर्दी पूरी तरह से जा रही है, ऊपर से बीच बीच में कभी भी बारिश आ जाती है। समझ ही नहीं आता कि ये मौसम है कौन सा, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है। खैर कोई बात नहीं, इस मौसम में अपना ख्याल रखिए। बाकी तो ठीक है, मौसम अदलता बदलता रहता है और ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, इसमें हमारी जो स्किन है ना वो भी बहुत नखरे करती है। कभी वो ड्राई हो जाती है तो कभी ऑयल आने लगता है हमारी जो स्किन है उस पर। तो क्यों ना एक ऐसा फेस पैक आपको बताऊं जो सदाबहार हो, बिल्कुल इन पुराने प्यारे प्यारे से गानों की तरह बताऊंगी आपको। पहले एक गाना सुनकर जल्दी से मेरे पास लौट कर आए, और ये गाना है पत्थर के सनम फिल्म का। बहुत ज्यादा आप लोग इसे पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। आइए सुनते हैं। मुझको तू अपना दीवाना करके रख दे।
दे मुझको तू अपना दीवाना करके नजदीक आजा फिर देखो तुझको दी भर के मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे पत्थर के सनम फिल्म का था ये गाना जो आपने सुना आकाशवाणी गोल्ड पर शबनम के साथ हैं आप और जैसे ये सदाबहार गाने हम आपको सुनाते हैं ऐसे एक सदाबहार सा पैक आपको बताने वाली हूँ जो चेहरे पर लगाएंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि हाँ ये काम करता है हर मौसम में। बहुत ही छोटा सा काम करना है आपको, 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और 2 चम्मच दही को लेना है, इसको मिलाइए और चेहरे पर लगाइए। ये त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है, इसमें वाइटामिन भी है जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और ये जो फेस पैक है ये दाग धब्बों सूजन और झुर्रियों पर भी काम करता है, मदद करता है इनको कम करने में। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, कहीं नोट करके रख लीजिए क्योंकि हर मौसम में काम करता है। एक गाना है बहुत ही अच्छा, अगर आप सुनना चाहें तो सुनेंगे। अरे सुनिए और जल्दी से लौट कर आइए। पहली बार देखा ऐसा जलवा ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला। जवानी में जो शोलों का मजा हो, शोलों का मजा तो बोलो वो आदमी है क्या, तो बोलो वो आदमी है क्या। जैसी चीज की मनाऊं खैर क्या, हो मनाऊं खैर क्या, मैं तो दोनों जहान से गया, ओ मैं तो दोनों जहान से गया। होगा तेरा मेरा फासला, तेरा मेरा फासला, रब जाने या दिल मेरा, ओ रब जाने या दिल मेरा। Because
पकड़ी कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना, ओ सोनी ये याद रखना। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। क्या हुआ बेटा? मामा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कल एग्जाम है, पता नहीं कैसे होगा। ओफो, एग्जाम ही तो है पूरी लाइफ थोड़े, और जरूरी तो नहीं है कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। डर मत, अच्छे से एग्जाम दे, और तू स्पोर्ट्स में इतना अच्छा तो है, यू आर अ ब्राइट चाइल्ड। ये सोच तुझमें कितना हुनर है, तू कर लेगा, डोंट वरी। थैंक यू मम्मी। एग्जाम जैसे समय में जहां बच्चे से लेकर सब स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे में धैर्य का इस्तेमाल करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन पे प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि परेशान रहना, चिंता करना, बेचैन होना, अच्छे से खाना ना खाना आपको अधिक स्ट्रेस व दिमाग पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगे तो वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनसे जानें। अधिक सहायता के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अनुभवी डॉक्टर्स की मदद लें। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अब तो कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। अभी मन नहीं है, पता नहीं किस बात की फिक्र है, लेकिन एंजाइटी फील हो रही है। हाँ तो इसके बारे में खुल के बात की जाती है। कैसे? अगर आप किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बारे में किससे बात करें, तो आप फोन मिलाएं टेली मानस को। जी हाँ, सरकार द्वारा चलाई फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज आपके शहर में उपलब्ध है, जिसमें आप 24/7 टोल फ्री नंबर 14416 डायल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी हाँ, अब आपके साथ है हरियाणा सरकार, आपकी हर प्रॉब्लम का मिलेगा सॉल्यूशन टेली मानस के साथ। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप घर आंगन में। और वैसे बचपन की बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उन आदतों को छोड़ते चले जाते हैं। और हमारी तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो आज की पीढ़ी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसे कि मम्मियाँ जो थी ना, वो पहले ज़माने में हलवा बना के खिला देती थी, लेकिन आजकल के बच्चे हलवे के नाम से भी चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आप मानिए कि ये जो सूजी का हलवा है, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। जी हाँ, ये जो सूजी का हलवा या फिर सूजी से बनी जो दूसरी चीजें हैं, उनसे आपको प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, आयरन मिलता है, इसके अलावा विटामिन होते हैं इसमें, खनिज होता है इसमें, बहुत ही आसानी से ये पच जाता है। और आज के जमाने के लोगों को भी बहुत ही काम आ सकती है सूजी। जी हाँ, अगर आप सूजी या फिर सूजी से बने जो भी पकवान है वो खाते हैं, हलवा खाते हैं या दूसरी चीजें खाते हैं, तो ये आसानी से पच भी जाती है, पेट में वजन नहीं करती और आपकी ताकत भी बनी रहती है। आप वर्कआउट से यानी कि जिम वगैरह जो करते हैं आप, उससे पहले भी सूजी से बनी चीजें खा सकते हैं। तो क्या खाएं, मैं बताती हूँ आपको। अगर आपका हलवा खाने का मन नहीं है, कुछ और बताते हैं आपको, है ना। सुनते हैं गाना, उसके बाद आना। रे!
सनम को खत लिखा हमने सनम को खत लिखा खत में लिखा लिखते हैं, ईमेल डाल देते हैं, मैसेज कर देते हैं या फिर सोशल मीडिया पर लिख देते हैं अपने कमेंट्स में या फिर पोस्ट में। वो जमाने नहीं रहे, लेकिन हर आदत
खोनी नहीं चाहिए। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, जैसे कि खाने पीने की आदतें। आपको बहुत दिनों से बहुत बार हम बताते आ रहे हैं कि आप मिलेट्स खाइए, अपने खाने में शामिल कीजिए। और भी कई चीजें हैं जिन्हें आज भी हमें खाने में रखना ही चाहिए, जैसे कि सूजी। सूजी बहुत हल्की होती है, पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो सूजी का चीला आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाएंगे आप। ये टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। बहुत ही थोड़ी सी चीजें चाहिए। सूजी 1 कप, दही आधा कप, प्याज चाहिए 1 बारीक कटा हुआ, टमाटर चाहिए 1, गाजर चाहिए 1, शिमला मिर्च 1 बारीक जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो भी आप ले सकते हैं। हरी मिर्च आप ले सकते हैं बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। तेल चाहिए आपको जरूरत के मुताबिक, और चाहिए नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में सूजी और दही को डालकर फेंट लीजिए, न ज्यादा पतला न बहुत ज्यादा गाढ़ा, जरूरत पड़े तो पानी भी डाल दीजिए थोड़ा सा। सभी सब्जियों को बारीक काटिए, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, जितना भी है ये, इनको बारीक काटने के बाद इस मिश्रण में मिला दीजिए। नमक और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल दीजिए, फिर 15 मिनट के लिए इस मिश्रण को छोड़ दीजिए। अब एक दूसरा काम करना है आपको। एक पैन या फिर तवे को गर्म कीजिए, इस पर थोड़ा सा तेल डालिए। अब सूजी वाला जो घोल आपने बनाया है 15 मिनट के बाद उसे रोटी के आकार में डालकर फैला दीजिए और दोनों तरफ से पलट कर आप इसे सेक लीजिए। सूजी का चीला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे प्लेट में निकालिए। आप चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ इसे खा सकते हैं, और बच्चों को खिलाने से पहले इसके इतने सारे फायदे बताएं कि वो कभी छोड़ ही ना पाएं, है ना, ना ही ना कहें। चलिए फिलहाल कहिए हाँ, मैं सुनाने वाली हूँ ना बहुत अच्छा सा गाना।
एतबार है ना ही मौसम का एतबार है, एक मिनट में हो जाती है सर्दी। रात में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी कंबल ओढ़ लो, फिर मैं कंबल उतार देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि पंखा चला दो। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा कि अब गर्मी आ चुकी है, सर्दी जा चुकी है। उसके बाद महिलाओं को एक और परेशानी होने वाली है कि कंबलों को, रजाइयों को कैसे रखा जाए ताकि वो एकदम सही सलामत वापस इस्तेमाल के लिए सर्दियों में काम आ जाए। तो कुछ टिप्स हैं मेरे पास, आप इन्हें अपना सकते हैं। कंबल को कभी भी आप साबुन से ना धोएं, पाउडर से ना धोएं, आप इन्हें शैम्पू से साफ करें, इससे उनके जो रुएं हैं वो सख्त नहीं होंगे और धोते समय ज्यादा ना रगड़ें। इसके अलावा सॉफ्ट वाले जो ब्रश हैं उनका ही इस्तेमाल करें और इन्हें ड्रायर जो होते हैं मशीनों में उनसे ना सुखाएं, हवा में ही सुखाएं। रजाई को एक बार से ज्यादा फोल्ड ना करें, इसकी वजह से धागे भी टूटते हैं और जो रजाई में जो रुई होती है वो भी टूट जाती है, फिर से बनवानी पड़ती है, बेकार में हमेशा खर्चा बढ़ जाता है, बजट खराब होता है ना महिलाओं का। इसके अलावा रजाई को अंधेरी कोठरी या फिर संदूक जैसी चीजों या फिर बेड के स्टोरेज में रखना चाहिए, इससे रजाइयों में जो है ना वो कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। और कंबल के लिए एक बहुत ही खास जो चीज है वो याद रखिएगा कि इनको ज्यादा अंदर ना रख के बल्कि अलमारी या रैक वगैरह में रखें जहां पर हवा का संपर्क बना रहे, इससे वे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेंगे और उनमें महक नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स अच्छे लगे होंगे। अब तो बहुत ही अच्छा सा गाना मैं चाहती हूँ बजाना, आप कहीं ना जाना, सुनते रहना आकाशवाणी गोल्ड। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू, छोटा सफर हो लंबा सफर हो सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हाँ इतना मधुर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई वैसे अगर इस जन्म को भी हम बेहतर बना लें अपना ध्यान रख लें अपने आप से मोहब्बत कर लें तो ये जन्म भी हमारा कामयाब हो जाएगा। आपने थ्री इडियट जो है वो फिल्म देखी होगी उसमें आमिर खान लेफ्ट हैंड से अपने दिल पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं ऑल इज़ वेल। वैसे ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को समझाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ सही है तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो ऐसा कुछ रोज़ाना अपने आप से कहें और अपने आप से ढेर सारी मोहब्बत करें क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना धीरे मुस्कुराते रहिए अपनी तारीफ करते रहिए।